हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं अर्जुन नगर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 12 प्रो डिवाइस सेट प्रो प्लस डिवाइस, उसको MIUI 14 का अपडेट मिला, उसके बाद इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दें, आप इससे काफ़ी लोग बोल रहे थे ये अपडेट आने के बाद इसका कैमरा रिव्यू लेकर आओ, तो इसका कैमरा रिव्यू आने वाला है, डिटेल रिव्यू आएगा, जरूर चाहिएगा। लेकिन पहले बता देता हूँ, मेरा गला भाई काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, ये वीडियो भी थोड़ा डिले रहा है। आपको पता होगा 3 दिन से चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा पेन किलर वगैरह लेके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का और वेट कीजिए, जब ज़्यादा रिलैक्स फील कर पाऊँगा, बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी, उसके बाद में मैं कैमरा रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस के अंदर आपको क्या कुछ चेंज देखने मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, नए विजिट्स देखने मिल जाता है, फुल फीचर का जो वीडियो बना था उसके अंदर भी मैंने इस चीज़ के बारे में बात की थी। सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सेटिंग का पूरा आइकन चेंज कर दिया गया। मैं इसके अंदर एक बार फीचर्स को रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद इनको मैं ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की तरह मतलब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और जो बग वगैरह नए एड हुए उनको आराम से डिस्कस करेंगे। अबाउट फोन के अंदर आते हैं, MIUI 14 का नया लोगो देखने मिल जाता है, नया सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाता है, उसके बाद एंड्रॉइड 12 बेस देखने मिलता है, इसको एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं दिया गया। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल फीचर देखने मिल जाता था जो कि अब एडिशनल सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर है ना शिफ्ट हो चुका है। अब बात करते हैं स्टूडियोज के अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने मिलती है। एक नया इश्यू मैंने इसके अंदर नोटिस किया, उसको आपको माइंड के अंदर रखने की जरूरत है। मैं आता हूँ यहाँ पर गैलरी के अंदर जाता हूँ ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फाइंड करने में आसानी हो। तो ये रही हमारी स्क्रीन, तो मैं जाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर, और ये रही हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कि मैंने करके रखी ऑलरेडी। इसके अंदर आप देखना, जब हम रीसेट मेन्यू को ओपन करते हैं तो ये जो ना देखिए रीसेट मेन्यू ये आना चाहिए, मतलब पूरी स्क्रीन यहाँ पर आना चाहिए, ये जो विंडो है जो बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है, लेकिन नहीं आ रहा। अभी देखें यहाँ पर 2-3 ऐप ऑटोमेटिकली भाई आपस में मर्ज हो चुके, जो ये तो ऐसा लगता है कि जो डायलर है वो फ्लोटिंग विंडो के अंदर चला जाएगा, पीछे यूट्यूब का कॉमेंट है वो कहीं पर चला गया, व्हाट्सअप कहीं पर भी चला गया, और उसके साथ भी भाई कुछ और यहाँ पर देखिए फाइल मैनेजर और काइनमास्ट ये सारे ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो रहे, तो पता नहीं ये क्या चल रहा है। वो मुझे रिसेंट मेन्यू के अंदर ये बड़ा इश्यू लगा, और बहुत बार मैंने इस इश्यू को नोटिस किया। अभी और दिखा देता हूँ, देखिए ये फुल स्क्रीन पर आना चाहिए, नीचे विंडो आना चाहिए जिससे कि हम सारी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही उनको एक साथ क्लोज कर सके, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको क्लोज करना पड़ेगा, हर बार नोटिस नहीं होता है लेकिन दिन में 1 या 2 बार ये चीज़ आपको जरूर से नोटिस होगी। अभी देखिए कमेंट आ रहा है, तो पूरा यूट्यूब ओपन करो या फिर इसको इस तरीके से मतलब यहाँ पर आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर इसको क्लोज करो, बीच में नहीं आ रहा, सेंटर में जहाँ पर आना चाहिए जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए ये इस तरीके से आ रहा ना, और नीचे देखिए मेन्यू आ रही है, मतलब कि क्रॉस का के एक साथ आप सभी एप्लीकेशन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आता, बहुत बार ये चीज़ नोटिस होती है। उसके बाद में बात करते हैं इसके हीटिंग इशू की, तो ये वाला अपडेट है, ये करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल का हीट इशू स्टेडियस के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 43 डिग्री सेल्सियस तक का हीट देखने को मिल जाता है। डिवाइस हीट होने के बाद क्या होता है, आप इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं कर सकते, इसकी भी मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है, शायद इसी के अंदर है। तो ये जो अपडेट है करने के बाद आपको ये देखिए लुक लाइक दिस डिवाइस और हीटेड यू कैन ओनली यूजेस, तो ये क्या चल रहा है पता नहीं। देखिए 6 nm टेक्नोलॉजी पे बेस ये प्रोसेसर है, और उसके बाद अभी पूरी तरीके से गर्मी स्टार्ट हुई नहीं है, उससे पहले इसका ये हाल है कि भाई आप किसी ऐप को यूज़ नहीं कर सकते, केवल कॉन्टैक्ट और डायलर को यूज़ कर सकते इमरजेंसी के लिए, उसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। देखिए ये इस अपडेट के बाद में ज़्यादा हो रहा है, पहले हो रहा था, तो आप देख लेना हीटिंग का इश्यू जो है अपडेट को करने के बाद में आज का ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हीट का जो इश्यू है ये अपडेट करने के बाद में आपको नोटिस होगा। और यार ये लोग लॉन्च इवेंट के अंदर बोल रहे थे कि इसको MIUI 14 और एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिला, 2 महीना हो चुका है उसके बाद में एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं दिया गया, ओनली MIUI 14 दे के छोड़ दिए। अब इसको 2 एंड्रॉइड की अपडेट मिलनी है, ये डिवाइस लॉन्च होना चाहिए था एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने लॉन्च नहीं किया, 2 महीने बाद में अपडेट आया, वो भी इनका एंड्रॉइड 12 बेस पे आ रहा है। तो ये देख लेना भाई, एंड्रॉइड 13 का इसको नहीं मिला है। रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 एस है, रेडमी नोट 10 है, उन डिवाइसेस को MIUI 14 का अपडेट एंड्रॉइड 13 बेस मिला था, इसको देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ आप माइंड के अंदर रखना कि किस तरीके से ये लोग ना नेक्स्ट चीट हो रहा है। उसके बाद में कुछ और इश्यूज़ की बात करूँ तो डे टू डे लाइफ यूजेस के अंदर मुझे कुछ भी इश्यू नोटिस नहीं हुआ, नॉर्मल काम आपके सारे कर देता है। उसके बाद में बात करते हैं डिवाइस के बैटरी बैकअप की, इस अपडेट के अंदर आपको 6 घंटे और 15 मिनट तक का आपको हेवी यूजेज के अंदर 120 Hz की यदि आप रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करते हो, डिवाइस की ब्राइटनेस 100% रखते हो, उसके बाद देखने को मिल जाता है। तो इस अपडेट के अंदर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा इम्प्रूव देखने में मिलेगा, आई थिंक 30 मिनट के आसपास का बैटरी बैकअप इसके अंदर इम्प्रूव हो चुका है, ये चीज़ भी इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट की गई है। उसके बाद चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो मैं आप लोगों के लिए चार्जिंग स्पीड चार्जिंग टेस्ट अलग से लेकर आऊँगा,
लेकिन यार इसके अंदर 67 वाट का चार्जर है, लेकिन यदि आप 10 वाट डिवाइस को चार्ज करते हो तो 2 वाट 67 वाट को सपोर्ट करता है, बाकी ये नॉर्मल चार्जिंग से चार्ज होता है जिसके अंदर भाई आप वेट करते रहते हो लेकिन डिवाइस आपका चार्ज ही नहीं होता है। मैं यदि फ्रेंड मान लीजिए आप इमरजेंसी कहीं पर काम कर रहे हो और थोड़ी आपको जल्दबाजी आपने डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट कर दिया, आप वेट कर रहे हो कि भाई मैं 10 मिनट काम करूँगा, 10 मिनट के अंदर हमारे डिवाइस कम से कम भाई 30-40% तो आराम से हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता नहीं क्योंकि ये नॉर्मल चार्जिंग से चार्ज होता रहता है और आप लोग आकर देखते हो आपको डिवाइस चार्ज देखने को नहीं मिला और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डाटा केबल को निकालिए और इस तरीके से दोनों साइड से और वापस से थोड़ा सा क्लीन कीजिए, या फिर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकली चार्जर लेकर। तो चार्जिंग चल रहा होता ना तब तो ये 67 वोट ही दिखाता है, लेकिन स्पीड वो देखने को नहीं मिलती। जैसे मैंने इस तरीके से लगा रखी केबल को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस अगर केबल को निकालना होगा इस तरीके से केबल लगाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, तो कई बार ऐसा करने से ये चार्ज होता है या फिर मुझे पेंटोल से इसका जो जैक है इसको क्लीन करता हूँ उसके बाद में ना ये चार्जिंग स्पीड अच्छी देखने को मिलती थी। एक यूजर ने बोला था कि भाई मैं सर्विस सेंटर विजिट किया, मेरा चार्जर चेंज करके दे दिया लेकिन मेरा इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये एक हार्डवेयर इशू है, इसका सब बोर्ड है उसके अंदर इश्यू देखने को मिला, चार्जर में इश्यू नहीं है क्योंकि चार्जर को मैंने दूसरे डिवाइसेस के अंदर भी टेस्ट किया तो चार्जर अच्छे से वर्क करता है, या फिर 67 वोल्ट नहीं आता यदि चार्जिंग का इश्यू होता तो। उसके बाद में बात करते हैं परफॉर्मेंस की, या तो बेंचमार्क स्कोर, सीपीयू थ्रॉटल वगैरह की, कि आपको क्या कुछ कैसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, अभी मैंने इसका सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट किया है, ये बेसिकली मैंने 5 मिनट्स के किया जिसके अंदर 82% के आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं। 1 घंटे का आप करते हो तब आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने मिल जाती है और मैंने इसको 1 घंटे का भी टेस्ट किया था। यहाँ पर है ना सीपीयू थ्रॉटल के अंदर देखिए परफॉर्मेंस देखने में अच्छी देखने को मिल रही है, आप 1 घंटे का करते हो फिर भी अच्छी देखने को मिलती है, 5 मिनट वाले के अंदर भी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका अंततः बेंचमार्क स्कोर, के अंततः बेंचमार्क स्कोर हमें कैसा देखने को मिलता है। ये देखिए ये अपडेट करने के बाद 3,93,000 तक का 3,93,000 तक का हमें अंततः बेंचमार्क स्कोर देखने मिल जाता है। कंपनी पहले वाले कंपनी जब डिवाइस को लॉन्च करती है क्लेम करती है 5,00,000 तक का आपको अंततः बेंचमार्क स्कोर इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैंने जब डिवाइस लॉन्च होता है या पहले वाले अपडेट था उसका भी अंततः बेंचमार्क है ना यहाँ पर है कैप्चर करके रखा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 3,29,000, 3,29,000, 3,23,000 और 3,36,000, तो 3,36,000 इसका मैक्सिमम अंततः बेंचमार्क स्कोर देखने को मिला था पहले वाले अपडेट के अंदर। अब वाला अपडेट जो है वो यहाँ पर 4,00,000 तक का भी अंततः बेंचमार्क स्कोर कवर नहीं कर पा रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि डिवाइस के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस इस अपडेट के अंदर थोड़ी डाउन की गई है, क्योंकि मैं 14 का अपडेट है तो थोड़ी डाउन आपको देखने मिलेगी। जब कोई भी UI का अपडेट चेंज होता है तब कुछ इश्यूज हमें नोटिस होते हैं, तो आई थिंक आने वाले अपडेट के अंदर हो सकता है इसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो परफॉर्मेंस आपको थोड़ी डाउन देखने मिली। उसके बाद में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए वो बताता हूँ। जब हम BGMI खेलते हैं तो पहले जायरो इसका मुझे आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था, कंट्रोल नहीं होता, यदि आप किसी और डिवाइस से इस डिवाइस में शिफ्ट हो रहे थे तो काफ़ी दिन तक आपको स्ट्रगल करना पड़ा था जायरो कंट्रोल करने में, लेकिन ये जो अपडेट किया गया ना इसके अंदर जायरो आपका परफेक्ट कंट्रोल हो रहा है। पहले वाले अपडेट से या जब हमने डिवाइस को लिया था उस टाइम जो कंट्रोल था ना उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको इसके अंदर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है कि भाई जायरो आप बेहतर तरीके से ना इस डिवाइस के अंदर कंट्रोल हो जाता है, तो ये भी इसके अंदर एक नया इंप्रूवमेंट किया गया। उसके बाद में काफ़ी लोग कैमरा क्वालिटी बोल रहे थे तो मैं थोड़ा सा कैमरे के बारे में बताना चाहूँगा। बैक कैमरे की क्वालिटी डाउन की गई, नाइट मोड पहले से भी इंप्रूव कर दिया गया और सेल्फी कैमरे को इंप्रूव किया गया। नाइट मोड इसका ऑलरेडी इंप्रूव था लेकिन अब और ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया, थोड़ा सा मेरा गला सही हो जाता है। उसके बाद में एक फुल रिव्यू आएगा यहाँ पर है ना इसके जो है ना कैमरा क्वालिटी का, वो ये वगैरह किस तरीके से अब वर्क कर रहा है, पहले कैसा वर्क कर रहा था, सब कुछ आने वाला है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि यार वीडियो रिलेटेड विद वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। गूगल डायलर इसके अंदर देखने को मिल जाता है, अभी भी आपको यहाँ पर है ना MIUI का डायलर देखने को नहीं मिला है, MIUI का डायलर आने वाला भी नहीं है। मैसेंजर आपको MIUI का देखने को मिल जाता है जिसको यदि आप ओपन कर देते हो रिसेंट बार में जाते हो तो अभी तो ये पूरा आ रहा है, काफ़ी बार क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो ये इश्यू भी इसके अंदर है ना इसके मैसेंजर के अंदर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड ये था इसका फुल रिव्यू। डोल पहले वाले अपडेट के अंदर फ्रेंड Dolby Atmos अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, इस वाले अपडेट के अंदर Dolby Atmos अच्छे से वर्क करता है। पहले हम ऑन या ऑफ करते थे तो हमें जो डिफरेंट है ना वो नज़र नहीं आता था, लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर आराम से आपको पता चल जाएगा हाँ भाई अब Dolby Atmos ऑफ किया गया और अब ऑन किया गया। और ब्लॉटवेयर्स की बात करूँ तो कुछ नए ब्लॉटवेयर्स है जैसे कि ओपेरा ब्राउजर है, ये नया ब्लॉटवेयर्स आ चुका है इसके अंदर, तो ये कंपनी पता नहीं भाई ब्लॉटवेयर्स रिमूव कर रही या फिर नए दे रही। सो फ्रेंड ये था इसका फुल रिव्यू, उम्मीद आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, उसका आपको आंसर कमेंट में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।